अभी तक हमारे प्रॉपर अहमदाबाद मेट्रो के अंदर घुसे नहीं है, तो बाथरूम भी क्लीन है और मेट्रो का बाथरूम एसी वाला है, ठीक है। और लिक्विड सॉप सब यहाँ पे अभी फुल है, ना किसी ने पिचकारी मारी है, ना किसी ने धूम्रपान किया है। दोस्तों मेरा नाम है महेश सुलेखी, ये सन्नी थोड़ा सा फनी है। तो हम लोग आज है नहीं पहले बताया कि आज है 6 अक्टूबर और आज है भाई का बर्थडे, तो हमने सोची कि आज हमारी रजा है और मेरी छुट्टी है और सारी छुट्टी नहीं रहता, बट हम जब छुट्टी लेते हैं तो हमारा एक ही जॉब रहता है, एक ही काम रहता है, वो हमारी यूट्यूब वाला जॉब। तो उसके रिगार्डिंग हम आज आ चुके हैं यहाँ पे अहमदाबाद की जो मेट्रो स्टार्ट हुई है, हमको टाइम नहीं मिला था, हम जब संडे या सैटरडे को जाएंगे शूट करने, बट आज मेरा लीव ली हुई थी और सनी को भी थोड़ा बुखार और थोड़ा ऐसा इन्फेक्शन था, तो मेरे को भी थोड़ा टाइम पहले ही बुखार आया था, इसको भी अभी थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, तो हमने आज लीव ले ली। तो फिर हमने सोचा कि चलो आज मेट्रो का सफ़र किया जाए और आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिया जाए, क्या बोल रहे हैं। और मेट्रो में आप आओ तो क्या क्या नहीं लाना है भाई, चीज़ हमारे क्या मेरा यहाँ पे अलाउड नहीं है, फिर आप डॉगी या कुछ कैट या ऐसा कुछ आप भी रखते हो तो उनको अलाउड नहीं है, फिर कुछ चिप्स खाना अलाउड नहीं है, धूम्रपान करना अलाउड नहीं है, एनिमल्स अलाउड नहीं है जो हम लोग हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये है खुल जा सिम सिम का ये मंत्र है, इस मंत्र से आप खोल सकते हो। और अभी हम रानी स्टेशन से बैठे हैं, मैं पहले थलते से बैठ के आया था इसको लेने मेट्रो में, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग गया कि आपको वहाँ पर बैग चेकिंग करवाना पड़ेगा, फिर टोकन चेंज करवाना पड़ेगा, यहाँ से हमको जाना है ऊपर, ऊपर से वापस बैठना है मेट्रो ट्रेन में। और थोड़े स्लाइडर भी यहाँ पे लगे हुए हैं, वो अच्छा है आपके लिए, जैसे कोई चल नहीं पा रहा है या ऐसा वैसा रहेगा तो हम चल पा रहे हैं फिर भी हम स्लाइडर का यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत बात काम चल रहा है, आईसी ऐसा बोल। और हाँ अभी मैं बर्थडे के दिन भी ऐसे कपड़े घूम पहन के घूम रहा हूँ, इसका रीजन है यहाँ पे 24 आवर्स आपको कैमरा की सिक्योरिटी है और स्पीकर भी लगे हुए हैं, जिससे मेट्रो आएगा तो आपको इन्फॉर्म करेगा, फिर ये नहीं आएगा तो नहीं करेगा कुछ नहीं बोलेगा। और यहाँ पे जो ये यहाँ पटरी है वहाँ पे भी आपको जाना अलाउड नहीं, और ये यहाँ पे येलो लाइन है उसके उस साइड भी जाना अलाउड नहीं है, और पटरी के अंदर 750 वोल्ट का करंट यहाँ पे चलता है, ऐसा मेरे नीचे पड़ा है 440 उससे भी ज़्यादा 750 वोल्ट, तो आपको वहाँ पे भी जाना अलाउड नहीं है, इस पर इस साइड नहीं रहना है, इसके अंदर रहना है येलो लाइन के अंदर, ठीक है। और हम थोड़े ऐसे ये तो क्या करें, उसकी राह देखते हैं मेट्रो कब आए, ये तेरी वजह से हुआ है, कब से बोल रहा है कि तेरी वजह से खुद कपड़े लेने गया, कपड़े मुझे दिए मेरे घर पर रखे, उसमें भी गलती मेरी निकल रहा है, मैंने धुलवाया है सब कुछ करवाया, अच्छे से रखे भी है पर ले जाने का, मैंने इसको बोला था कि तू दे जाना या तो किसी भी तरह भिजवा देना, उस दिन एक्टिवा घर पे थी तो खाली इसको ऊपर रखने आने थे, उसमें नहीं रखने आया, तो फिर मेरे को आज इसकी टी शर्ट पहननी पड़ी और चप्पल में घूम रहा हूँ, देखो मेरे पास शूज़ वूज सब होते हुए शूज़ तो पहन सकता था, तो आज मैंने सोचा कि उसके घर पर जो भी शूज़ पड़े हुए अपने लेके पहनने वाले बात कर रहा है, बट मेरा है 15 मिनट से वेट कर रहे हैं, मेट्रो अभी तक आए नहीं है, लास्ट अभी हाँ 2 मिनट बाकी है, तो उसका सूट हम दिखा देंगे। और ये चाबी आपको खोली नहीं है सिम सिम का, क्या बोलते हैं चाबी खुल जा सिम सिम का, ये चाबी आपको रखना है, तो फिर आपको ये वर्ड यूज़ कर लिया बाद में ढूंढते हैं वर्ड का है किसी को देना नहीं है, ये नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, किसी को नहीं जाना चाहिए, किसी को देना नहीं है, ना तो फिर आप मेट्रो के बाहर निकल नहीं पाओगे, अगर निकलना हो तो आपको फिर फाइन लगेगा, फाइन यहाँ पे मेट्रो पे नए आओ, यहाँ पे सिक्योरिटी या अदर बहुत सारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो आपकी हेल्प भी करेंगे, भाई आप सही रूट पे खड़े हो, सही स्टेशन पे खड़े हो कि नहीं खड़े हो, वो सब आपको बताएंगे भी करें, और यहाँ पे टाइम भी आपको पता चल जाएगा मेट्रो में, जैसे रेलवे स्टेशन पर अपना टाइम रहता है वैसे मेट्रो के स्टेशन में भी टाइम है कि इतने बजे ये वाली आने वाली है ट्रेन या मेट्रो कुछ भी बोलो, बट मेरे को एक थोड़ा सा चीज़ वो अलग लगा, फिर ऐसा ना बोलो कि आप चार बस जाओ तो ये गलत निकालता है, फिर बैगनी में जाओ तो ये गलत निकालता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक खाली छोटा सा मेरे को थोड़ा इश्यू वो लगता है कि आप मेन रूट पे ये खड़ा करते हैं, फिर वहाँ से आपको रिक्शा या फिर BRTS की मदद तो लेनी ही पड़ेगी, इस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ इसको रेडी किया हुआ है कि आप वो भी चीज़ यूज़ करो जो पहले बनाए हुए वो
और नई भी आती है उसके अंदर। तो अभी तो भीड़ इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादातर खाली इसमें सफ़र कर रहे हैं ऐसे घूमने के लिए, कैसी है कैसी नहीं है बस इस तरह से। और तो बस चल रही है। और ये सिक्योरिटी अंकल है जिन्होंने हमको हेल्प किया था अभी के भाई कौन सी किस जगह जाना है। तो ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी आपको बता भी देंगे कि भाई आप सही सीजन पे हो कि नहीं हो। ये सही है ना? सही है। हाँ, ये बताने का अभी इनको थोड़ा फर्ज है क्योंकि नया नया अभी कितने दिन हुए हमारे तो अभी 5 दिन। तो यहाँ पे फर्स्ट डे आज यहाँ पे फर्स्ट डे इसलिए मैं बोल रहा कि यहाँ पे सब फूल यहाँ पे सब क्यों है क्योंकि 2-3 दिन पहले ये स्टार्ट हो चुका था बट हमने आज एंट्री किया तो यहाँ पे फर्स्ट दिन था। आज फर्स्ट हम भी यहाँ फर्स्ट वीडियो बन रहे हैं आज उसका। चलो थैंक यू। अभी इतना अभी बैठ के आए फिर भी इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी। फाइनली आ चुकी है। ओके मेरा फर्स्ट टाइम ये सनी का फर्स्ट टाइम मेट्रो में बैठ चुका हूँ। ट्रेन मेट्रो कुछ भी मेरा फर्स्ट है। ओके जब खड़ी रहेगी तब आपको एंटर करना है इसके अंदर। पहले ऐसे भाग नहीं जाना पागलों की तरह ठीक है। थोड़ा सब खुल जाएगा ऑटोमेटिक खुल जाए सिंपली। वाओ ऊपर से हम नीचे आ चुके हैं। वहाँ से आपको मेट्रो वर्क पकड़नी है फिर वहाँ से वापस जाना है हेलमेट सर्कल मिस टोपा सर्कल। वहाँ पे जाने के लिए हमको ही पता नहीं और सामने सीधे ही चलो। यहाँ पे लोगों को पता नहीं है तो स्टार्टिंग में सब ऊपरा जा रहे हैं ऊपरा जाते हैं सब। हमारे पास है अभी 21 मिनट्स। तब तक हम सोचा कि थोड़ा आपके साथ बातचीत कर लिया जाए। तो सनी का तो फर्स्ट टाइम था ट्रेन समझो या मेट्रो समझो कुछ भी अभी तक ये रिक्शा और बस में बैठा हुआ है। तो कैसा रहा भाई तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? वैसे ही जैसे बस में ले लिया था वैसे। कुछ तो अलग लगा हुआ है। हाँ एसी बहुत ठंडी है और कुछ नहीं। एसी है वहाँ पे फिर इमरजेंसी में कुछ रहेगा उसका एग्जिट है मेरी। फिर स्टेशन तो भाई एक नंबर है। BRTS से तो बहुत अच्छा स्टेशन बना इनके। और शौचालय भी है तो हम सोच रहे अभी 21 मिनट में हम क्या क्या करेंगे तो शौचालय चल जाएगा। और यहाँ पे खाने एक चीज़ नहीं है वो बता दूँ अहमदाबाद जैसे फूड कोर्ट नहीं है। सही पकड़ा बाबू भैया यहाँ पे खाले मेट्रो स्टेशन में फूड कोर्ट नहीं है वरना अहमदाबाद सब टाइम स्पेंड करने के लिए खा। और मैं सनी को दिल्ली या फिर मुंबई ले जाता तब यहाँ पे इसको मेट्रो स्टेशन में बिठाने वाला था बट मोदी साहब को शुक्रिया अदा है कि हमको पहले यहाँ पे अहमदाबाद मेट्रो लिया है और सैनिक हमने सफ़र करवा लिया। तो आप भी सफ़र करो टेंशन मत लो कुछ अच्छा ही है। हमारी एक फ्रेंड आपको पता है तीन तिगड़ी बात बिगड़ी में उसको सीवी करके आती है फ्रेंड। वो हमने उसको पूछा चल तू आ रही है तो वो बोली कि दही वो तो ऊपर से मेट्रो नीचे गिर जाएगी। तो पूरा ये जो ब्लॉग ज़्यादा हो गया लंबा तो हम Part 2 भी बना देंगे। और अभी पता नहीं बर्थडे का क्या सीन है मेरा तो जाएंगे अभी शाम को कुछ की क्विक कटिंग करेंगे तो ठीक है वरना मैंने बोला था एक स्टारबक्स वाला अपने पास फ्री का खाना पड़ा हुआ है तो वो खाना जाएंगे हमने। सही थोड़े से पैसे स्पेंड करेगा बट हम तो फ्री आज बिकॉज हमारा बर्थडे। तो अभी तक हमारे प्रॉपर मेट्रो स्टेशन पर अहमदाबाद मेट्रो के अंदर घुसे नहीं है तो बाथरूम भी क्लीन है और मेट्रो का बाथरूम एसी वाला है ठीक है। और लिक्विड सॉप सब यहाँ पे अभी फुल है ना किसी ने पिचकारी मारी है ना किसी ने धूम्रपान किया है। वॉशरूम करने के बाद फ्लश करने वाले नहीं है लोग तो वहाँ पे कैसे आप जहाँ से वॉशरूम करके निकलो हाँ वहाँ से निकलो तो ऑटोमेटिक फ्लश हो जाएगा ऐसा ऑटो सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है तो वह बेस्ट है। अच्छा
Bye.